हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको करेले पसंद हैं लेकिन आप प्याज लहसुन नहीं खाते, या फिर आप पुराने तरीके से करेले बना कर बोर हो गए हैं? तो ये वीडियो खास आपके लिए है। आज हम सीखेंगे बिल्कुल नए अंदाज में काजू करेले बनाना, जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए करेले। आवश्यकता के अनुसार आप करेले की क्वांटिटी चूज़ कर सकते हैं। कटे हुए टमाटर, कटी हुई हरी मिर्च व 10 से 15 काजू। इसके लिए हमने पहले से ही करेले को काट कर इसमें 2 चम्मच नमक डालकर 15 से 20 मिनट के लिए रख दिया था। आप देख सकते हैं करेले में से थोड़ा थोड़ा कड़वापन पानी के रूप में बाहर आ गया है। ये प्रोसेस ऑप्शनल है। अगर आप करेले में कड़वापन पसंद करते हैं तो आप इस प्रोसेस को स्किप भी कर सकते हैं। अब करेले को अच्छी तरह पानी से धोकर सुखा लेना है। अब सबसे पहले एक कढ़ाई में 2 टेबलस्पून सरसों का तेल या फिर ऑलिव ऑयल का यूज़ भी आप कर सकते हैं। आप 2 टेबलस्पून कढ़ाई में डाल लीजिए। उसमें थोड़ा सा ज़ीरा, हींग डालकर अच्छी तरह मिला लीजिए। अब इसमें काजू को डालकर हल्का सा स्टिर रोस्ट कर लेते हैं। इसके बाद अब कटी हुई हरी मिर्च डालकर चलाना है, जिससे मिर्च का तीखापन अच्छे से तेल में मिल जाए। इसके बाद करेले को डालकर थोड़ी देर चलाना है। तो फ्रेंड्स, अब बारी आती है मसालों की। तो सबसे पहले हम करेले में डालेंगे पिसा हुआ हरा धनिया, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, सेंधा नमक, काला नमक। इन सब मसालों को डालकर आप अच्छी तरह से चला लें। अब इनको थोड़ी देर के लिए ढककर हल्की गैस पर 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 5 से 10 मिनट हो गए हैं फ्रेंड्स। आइए चेक कर लेते हैं करेले गले या नहीं। हमारे करेले गल गए हैं। अब इसमें हमने कटे हुए टमाटर डालने हैं। अच्छी तरह से चलाकर फिर से 5 से 10 मिनट के लिए पकने देंगे। आइए, टाइम हो चुका है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारी काजू करेले की स्वादिष्ट सब्जी बनकर तैयार है। आप इसको रोटी या पराठे के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इट सीम्स सो डिलिशियस। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, स्टे ट्यून्ड विद शाम्भवी फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़। थैंक यू।